नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे विकलांगता के प्रकार। इससे पहले हमने पढ़ा था विकलांगता के क्या कारण हो सकते हैं, विकलांगता क्या है और समाज में विकलांगता का जो आकलन है वो कैसे किया जा सकता है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे विकलांगता किस टाइप की हो सकती है। इससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए विकलांगता क्या है। विकलांगता का अर्थ भी हमें पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना, औसत बालक से अधिक सुविधाओं की आवश्यकता हो वह विकलांग बालक कहलाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए विकलांगता को किन भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो विकलांगता को हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला देखो, विकलांगता में शारीरिक रूप से बाधित। कई विकलांग ऐसे होते हैं जो शारीरिक रूप से बाधित होते हैं, मतलब किसी का हाथ कटा होता है, किसी का पैर कटा होता है, किसी का हाथ पैर, किसी का दायां हाथ, किसी का बायां पैर, किसी के हाथ की उंगली कटी होती है, किसी के पैर की उंगली कटी होती है। तो शारीरिक रूप से विकृति विकलांगता के अंतर्गत आती है। दूसरा विकलांगता का प्रकार है दृष्टिहीन। दृष्टिहीन का मतलब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अंध। और अंधों का कहां पर है, देहरादून में है। कहां पर है, देहरादून में है। तो दृष्टिहीन जो बालक है वो भी विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। तीसरा है स्वर्ण दोष रहित, सुनने में जिसके बाधा हो, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, स्वर्ण शक्ति जिसकी क्या हो, कमजोर हो, वो स्वर्ण दोष से युक्त है वो विकलांगता की श्रेणी में आता है। वाणी है सक्षमता, वाणी मतलब बोलने में असक्षम हो वो भी विकलांग की श्रेणी में आता है। और पांचवा प्रकार है मानसिक रूप से विकलांग। इसको कॉपी में नोट डाउन करते जाना ताकि आपको और समझ में आएगा, और साथ के साथ में मेरे साथ ही आप नोट्स को बनाते जाइए। विकलांगता के प्रकारों को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला शारीरिक रूप से बाधित, दूसरा दृष्टिहीन, तीसरा स्वर्ण दोष, चौथा वाणी असक्षमता और पांचवा मानसिक रूप से विकलांग। पहला आता है शारीरिक रूप से बाधित। अब इसमें शारीरिक रूप से बाधित भी 2 तरह के हो सकते हैं, एक आंशिक विकृत और दूसरा है पूर्ण विकृत। आप जानते हैं आंशिक रूप से विकृत का मतलब तो यहाँ पर यह है किसी के हाथ की हड्डी टूटी हुई हो, किसी के पैर की हड्डी टूटी हुई हो, तो इस तरह की जो विकलांगता है, जैसे आप आंशिक में ये भी समझ सकते हो कि जो पोलियोग्रस्त बालक है वो आंशिक विकलांगता की श्रेणी में आता है। जबकि पूर्ण विकृत जो शारीरिक रूप से अपने आप को संतुलित नहीं कर पाए, चल नहीं पाए, दूसरों के सहारे से चल पाता है, वो पूर्ण रूप से विकृत विकलांग की श्रेणी में आता है। तो शारीरिक रूप से जो विकलांग है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, आंशिक विकलांग और दूसरा पूर्ण विकलांग। तो आंशिक में किसको बताया मैंने उदाहरण, पोलियो ग्रस्त, और जबकि जो पूर्ण रूप से खड़ा नहीं हो सके, अपना शारीरिक संतुलन नहीं बना सके, वो इसके अंतर्गत आता है। फिर आप देखिए दृष्टिहीन क्या है, दृष्टिहीन जिसका कहां पर है, देहरादून में है, और देहरादून में इसका पहला विद्यालय खोला गया था, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो देखिए इसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, पूर्ण अंधापन, आंशिक अंधापन और सीमित दृष्टि क्षेत्र। पूर्ण अंधापन का मतलब यहाँ है कि 2.2, मतलब यहाँ पर 2.2 जिसका दृष्टि क्षेत्र है वो इससे भी कम हो तो वो पूर्ण अंधापन की श्रेणी में आता है। 20.70 से जो अधिक हो, 20.70 तक हो, वो आंशिक अंधेपन की श्रेणी में आता है। और सीमित दृष्टि क्षेत्र में 20.70 से
अधिक जो देख पाता है तक देख पाता है तो वो सीमित दृष्टि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें तीन डेटा याद रखने आपको 2.2, 20.70, 20.70 से अधिक। अब आती है आपकी वाणी असक्षमता। वाणी असक्षमता का मतलब यही है कि जो आपका स्वर्ण दोष से संबंधित विकलांगता, स्वर्ण दोष से संबंधित विकलांगता के अंतर्गत हम पांच भागों में इसको बांट सकते हैं। हल्का स्वर्ण दोष, मॉडरेट स्वर्ण दोष, कठोर स्वर्ण दोष, गंभीर स्वर्ण दोष और पूर्ण स्वर्ण दोष। हल्का जो स्वर्ण दोष होगा उसमें 30 डेसिबल से कम की अगर आवाज होगी तो वो उसको नहीं सुन पाएगा। 30 डेसिबल से कम का जो आवाज होगी वो उसको ध्वनि की जो तीव्रता होगी उससे कम वो नहीं सुन पाएगा। मॉडरेट में 50 डेसिबल से कम है तो वो नहीं सुन पाएगा, जबकि कठोर में 80 डेसिबल जो है उसकी तीव्रता को भी वो नहीं सुन पाता है, कम की तीव्रता को नहीं सुन पाता है, वो कठोर स्वर्ण दोष के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है गंभीर। गंभीर का मतलब है 100 डेसिबल से अधिक की आवाज को सुनने में भी कठिनाई अनुभव होती है, वो गंभीर में आता है। और पूर्ण का मतलब है केवल सनसनाहट ही उसके सुनाई दे, वो पूर्ण स्वर्ण दोष के अंतर्गत आता है। तो आपने देखा स्वर्ण दोष जो विकलांगता है उसको हम पांच भागों में बांट सकते हैं। पहला हल्का स्वर्ण दोष, दूसरा मॉडरेट स्वर्ण दोष, तीसरा कठोर स्वर्ण दोष, चौथा गंभीर स्वर्ण दोष और पांचवा है पूर्ण स्वर्ण दोष। इसमें 30 डेसिबल, मॉडरेट में 50 डेसिबल, कठोर में 80 डेसिबल, गंभीर में 100 और पूर्ण में केवल सनसनाहट ही सुनाई देता है। तो ये पांच आपने स्वर्ण दोष संबंधित विकलांगता के प्रकारों को सुना है। डेसिबल आप जानते ही हो, ध्वनि की तीव्रता मापने की जो इकाई है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, डेसिबल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आंशिक अक्षमता। आंशिक दोष और पूर्ण दोष। आंशिक दोष का मतलब है कि जो हकला हकला कर बोलते हैं वो वाणी, आंशिक वाणी या आंशिक असक्षमता के अंतर्गत आता है। जो बिल्कुल नहीं बोल सकता वो पूर्ण वाणी असक्षमता के अंतर्गत आता है। तो वाणी असक्षमता विकलांगता के दो प्रकार हो सकते हैं, आंशिक विकलांगता और पूर्ण विकलांगता। जो आंशिक विकलांगता है उसमें हकला कर बोलना और इसमें आपका पूर्ण तरीके से बिल्कुल भी नहीं बोल पाना। अब आता है मानसिक रूप से विकलांग। आप लोगों को पता है कि जो औसत बालक है वो सामान्य बालकों की दृष्टि में आते हैं। जिनका आईक्यू लेवल 100 से 110 के बीच में होता है वो सामान्य बालकों की श्रेणी में आते हैं। इससे कम के जो बालक होते हैं, मंद बुद्धि जो बालक है वो विकलांग की श्रेणी में आते हैं। तो मानसिक रूप से जो विकलांग है यहाँ पर आ जाएगा आपका मंद बुद्धि बालक। कौन से बालक आ जाएंगे, मंद बुद्धि बालक आ जाएंगे। तो आपको समझ आया विकलांगता के प्रकार। तो देखो विकलांगता को कितने भागों में बांटा था, पांच भागों में। पहला शारीरिक, दूसरा दृष्टिहीन, तीसरा स्वर्ण दोष, चौथा वाणी असक्षमता और पांचवा मानसिक रूप से पीड़ित, ठीक है। तो शारीरिक रूप में दो पड़े आंशिक और पूर्ण विकृत, दृष्टिहीन में भी तीन पड़े, पूर्ण अंधापन, आंशिक अंधापन और सीमित दृष्टि क्षेत्र। फिर आप देखो स्वर्ण दोष में आता है हल्का, मॉडरेट, कठोर, गंभीर और पूर्ण, जबकि वाणी असक्षमता में आता है आंशिक और पूर्ण विकलांगता। और मानसिक रूप से विकलांग वही माना जाएगा जो कि मंद बुद्धि बालक होगा। तो आपको ये समझ में आया विकलांगता के प्रकार, इसको लिख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या आता है वो देखिए ध्यान से, ये आपने समझ लिया होगा। अब इसके बाद देखिए बच्चों, अब आता है कि विशेष आवश्यकता वाले जो बालक है उनकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं। आप सब जानते हैं बच्चों, मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में कि आप एक शिक्षक है और शिक्षक होने के नाते आप सबका दायित्व है
कि जो औसत से कम वाले बच्चे हैं उनकी आंतरिक समस्याएं क्या है, वो कम सीख पा रहे हैं, उनकी स्मृति अच्छी नहीं हो पा रही है, तो उसके पीछे क्या क्या कारण है कि वो अच्छा नहीं कर पा रहे। कई बार आपने देखा होगा कि एक बच्चा एक दिन 10 में से 10 नंबर लेकर के आते हैं, लेकिन जब दूसरी दिन उसका टेस्ट होता है तो वो अच्छा लिख नहीं पाता, अच्छा बोल नहीं पाता, तो ये सब विकलांगता ही है। लेकिन एक शिक्षक उसके बारे में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उनके पीछे क्या क्या समस्याएं चल रही है उनको नहीं देख पाता। तो हमें एक बीएडधारी होने के कारण हमें CWSN छात्रों की क्या करनी पड़ेगी, पहचान करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। और CWSN छात्रों की पहचान करने के लिए हमें देखना पड़ेगा उनकी विकलांगता का स्तर क्या है, उनकी विकलांगता का स्तर क्या है ये हमें देखना होगा, उनकी आंतरिक समस्याएं देखनी होगी, उनकी आंतरिक समस्याएं देखने होगी कि क्या ऐसे कारण है कि बच्चा अच्छा अधिगम नहीं कर पा रहा है। तीसरा, पारिवारिक परिवेश को देखना होगा, पारिवारिक वातावरण को देखना होगा कि कहीं इनके लालन पालन में या वंशानुक्रम में या कुछ ऐसे, मतलब यह है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जन्म हॉस्पिटल में हुआ है या घर में हुआ है, ये भी विकलांगता का कारण हो सकता है। तो ये सब चीजें जब हमें पता होगी, एक शैक्षिक वातावरण, कौन सा वातावरण, शैक्षिक वातावरण, लालन पालन, ठीक है, इसके अलावा भी हमें कई चीजें देखनी होगी कि ये अपंगता जन्मजात है, इस अपंगता का स्तर क्या है, स्तर के आधार पर उसको विशिष्ट कक्षाओं में भेजा जाना चाहिए या उसको कुछ समय बाद समेकित शिक्षा मुहैया करवानी चाहिए। ये सब हमको विशिष्ट बालकों की पहचान में ध्यान रखना होगा और इसके लिए हमें प्लानिंग्स करनी पड़ेगी कि वैयक्तिक शिक्षा योजना मतलब CWSN बच्चों की पहचान के लिए हमें क्या करना होगा, बच्चों हमें एक वैयक्तिक प्लान बनाना पड़ेगा, उस बच्चे की केस स्टडी बनानी पड़ेगी, उस केस स्टडी के आधार पर हमें तय करना होगा कि बच्चा किस स्तर का है और उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। तो CWSN छात्रों की पहचान के लिए जो हमारे सामने योजना आती है बच्चों, उसका नाम है वैयक्तिक शिक्षा योजना। वैयक्तिक जो शिक्षा योजना है ये क्या है, ऐसी योजना जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बालक, बच्चों की स्थितियों का आकलन करना, सबसे पहले ये देखना कि CWSN जो बालक है उसकी स्थिति को एक नजरिए से देखना, समय देकर के उसके उसकी हर एक्टिविटी का हमें पता लगाना और उसकी केस स्टडी करना इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में नहीं, इनडायरेक्ट वे में, कि बच्चे को पता ही नहीं चले और हमने उसका निर्देशन भी कर लिया। तो इस तरीके से बताया गया कि वैयक्तिक शिक्षा योजना क्या है, वैयक्तिक शिक्षा योजना ऐसी योजना है जिसमें CWSN बच्चों की स्थितियों का आकलन होगा, अनुदेशन, अनुदेशन शामिल होता है, मतलब पहले उसकी स्थितियों का आकलन करो, फिर उनको क्या देना है, परामर्श सुविधा देनी है, उनका अनुदेशन करना है कि किस तरीके से हम उनकी समस्याओं को सुलझा सकते हैं, शिक्षकों को इस प्रकार का प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना है ताकि ये वैयक्तिक शिक्षा योजना सफल हो सके। तो वैयक्तिक शिक्षा योजना को अगर हमें सफल बनाना है तो हमें 3 सीढ़ियां चढ़नी होगी, कितनी सीढ़ियां चढ़नी होगी, 3 सीढ़ियां चढ़नी होगी, क्या करना पड़ेगा हमें, वर्तमान स्थिति के क्रियाकलाप, मतलब यही है, मैंने आपको बताया भी है कि जो विकलांग बच्चा है उसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म एक्टिविटी की केस स्टडी करनी होगी। ये वैयक्तिक शिक्षा योजना प्लान का पहला चरण है कि हमें क्या करना पड़ेगा, वर्तमान स्थिति
के क्रियाकलापों को देखना पड़ेगा। वर्तमान स्थिति के क्रियाकलापों को देखने के बाद सीखने के कार्यक्रम के सक्रिय उद्देश्य व लघु सक्रिय उद्देश्य निर्धारित करने होंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि बच्चा जो क्रियाकलाप कर रहा है उसके आधार पर सीखने के क्या क्या उपागम निर्धारित किए जा सकते हैं। सीखने के उपागम निर्धारित करने के पीछे लघु स्तरीय उद्देश्य क्या होगा और सीखने के कार्यक्रम का सक्रिय उद्देश्य निर्धारित करना पड़ेगा और लघु सक्रिय उद्देश्य हमें निर्धारित करना पड़ेगा। अब है उपलब्ध कराई सेवाएं। अब है कि बच्चे के साथ में क्या प्रॉब्लम आपने फेस करी, जो आपने क्रियाकलाप नोटिस करे उसमें देखा कि बच्चा देख नहीं पा रहा है, बच्चा ढंग से सुन नहीं पा रहा है, बच्चा मांसपेशियों में संतुलन स्थापित नहीं कर पा रहा है, बच्चा हकला हकला करके बोल रहा है, बच्चा मानसिक रूप से मंद है, बच्चा सीखने में देरी कर रहा है, बच्चा सामान्य बच्चों से बहुत पीछे है, तो इन सब आधारों को देखने के बाद हम ये देखेंगे कि हम इसके क्या क्या ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं ताकि वो बच्चा सामान्य बालकों के साथ टिक सके। तो हम क्या करेंगे, उनको विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध करवाएंगे, अगर सुनने की कैपेसिटी नहीं है तो सुनने संबंधित उपकरण उपलब्ध करवाएंगे, अगर देखने की कैपेसिटी उस बच्चे की कम है तो उसमें चश्मा वाली सुविधा, उसके डॉक्टर परामर्श, मेडिकल सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाएंगे। तो ये व्यक्तिगत शिक्षा योजना का पार्ट है कि आप उसको कौन कौन सी सुविधा मुहैया करवा रहे हैं। उसके बाद आता है ये जो तीन प्रकार है उसके आधार पर ही बनती है आपकी व्यक्तिक शिक्षा योजना। तो व्यक्तिक शिक्षा योजना क्या है, व्यक्तिक शिक्षा योजना क्या है, बच्चों की स्थितियों का आकलन करना और अनुदेशन को शामिल किया गया है। और इसी व्यक्तिक शिक्षा के अंतर्गत अपन थ्री स्टेज को पार करते हैं। पहला वर्तमान स्थिति के क्रियाकलापों को देखेंगे, उसके बाद सीखने का जो कार्यक्रम है उसके उद्देश्य निर्धारित करेंगे कि हमने बच्चे के जो क्रियाकलाप देखे उसके आधार पर सीखने के जो कार्यक्रम अपनाए उन कार्यक्रमों से उस बच्चे की लाइफ में क्या क्या चेंजेज आएंगे उसके उद्देश्य सत्रीय उद्देश्य निर्धारित करेंगे और लघु सत्रीय उद्देश्यों को निर्धारित करेंगे। उसके बाद आता है उपलब्ध कराई सेवाएं। अब ये है कि आपने देख भी लिया, उद्देश्य भी निर्धारित कर दिए, लेकिन सीखने के कार्यक्रम बनाने से पहले हमें क्या होनी चाहिए, सेवाएं क्या दे रहे हैं, उनको विशेष कक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं, मेडिकल सुविधाएं दे रहे हैं, ब्रिज कोर्स करवा रहे हैं, प्रवेश परीक्षाएं करवा रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहे हैं और उनको समय समय पर चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये व्यक्तिक शिक्षा योजना के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, CWSN छात्रों की पहचान कर सकते हैं। तो CWSN या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है व्यक्तिक शिक्षा योजना। अब बात ये आई है कि हम पहचान कैसे करेंगे कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। जैसे ये पढ़ा हमने वर्तमान स्थिति के क्रियाकलाप, क्या क्या चीजें उसमें देखेंगे कि बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो देखे बच्चों, पहचान के तरीके CWSN बच्चों की पहचान के तरीके, पहचान के तरीके। तो पहचान के तरीकों में सबसे पहला आता है क्या, बौद्धिक क्रियाकलाप का निम्न स्तर, बौद्धिक क्रियाकलाप का निम्न स्तर। आप जानते हो कि अगर बच्चा बौद्धिक क्रियाकलाप करने में असुविधा महसूस कर रहा है तो हम उसको मंदबुद्धि, लापरवाह, बेवकूफ ऐसे शब्दों से उसको पुकारते हैं, तो बच्चे में और ज्यादा हीन भावना आ जाती है, वो इस समाज के वातावरण को एडॉप्ट नहीं कर पाता और अपने मन और मस्तिष्क में बना लेता है कि वह कुछ नहीं कर सकता। तो हमें पहले पहचान करनी होगी कि कौन कौन से ऐसे बालक है जिनके बौद्धिक क्रियाकलाप का स्तर निम्न है। इसकी पहचान कैसे करेंगे, आप देखते हो ये
अवधान, अवधान क्या है बहन? ध्यान। क्या है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया के प्रति जो आपकी एकाग्रता है, बाकी चीजों पे आपका ध्यान नहीं होकर एक ही वस्तु पर आपका ध्यान होना ही क्या कहलाता है बच्चों? अवधान कहलाता है। अवधान शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अवधान के आधार पर ही हमारे बौद्धिक क्रियाकलाप निर्धारित होते हैं। अब विकलांगों में, इन CWSN छात्रों में क्या ऐसी बात, क्या आती है ऐसी समस्या? तो देखो, अवधान का मतलब यहां पर है ध्यान। क्या है बच्चों? ध्यान। ध्यान का मतलब मैंने यही बताया कि हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब पर हमारा ध्यान नहीं जा करके किसी एक निश्चित बिंदु पर अपना ध्यान एकाग्र करना ही अवधान या ध्यान कहलाता है। अब आप देखो कि जो CWSN छात्र है उनका, वो एक ही वस्तु पर अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं। वो उनकी कई बार, उनका ध्यान बार बार में भटक जाता है। तो वो भी ये क्या है जिससे बौद्धिक, क्यों? क्योंकि उसका उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि वो उस चीज को समझ ही, अपना ध्यान उसी चीज में जाएगा जब हमारा उसमें इंटरेस्ट होगा। और इंटरेस्ट डेवलप कब होगा? जब हमारी नॉलेज होगी उसमें। यहाँ पर नॉलेज ही नहीं है तो ध्यान भी नहीं जाएगा। तो अगर किसी बच्चे का ध्यान नहीं जा रहा है तो हम मान सकते हैं कि वो CWSN छात्र है। कई बच्चे आपने देखा होगा चिड़चिड़ापन रहता है, चिड़चिड़ापन। अगर किसी बच्चे में चिड़चिड़ापन रहता है तो वो भी क्या है, उससे भी बौद्धिक क्रियाकलाप का निम्न स्तर देखने को मिलता है। तीसरा, आप जानते हो विकास के लक्षण देर से हो। कई बच्चों में बुद्धि बहुत जल्दी आ जाती है कि 8th क्लास का बच्चा भी 9th क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि 8th क्लास में होने के बावजूद भी उनके ज्ञान का स्तर जो है वो 6th क्लास के बच्चे जैसा होता है। क्यों? क्योंकि उनके विकास के लक्षण देरी से आते हैं। विकास क्या है? पढ़ा होगा विकास के बारे में। तो शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे मेन टॉपिक है बच्चों विकास। विकास क्या होता है? विकास का मतलब होता है अभिवृद्धि। विकास का मतलब क्या हो, विकास का मतलब क्या है? वृद्धि होना। वृद्धि होना मतलब ये नहीं है क्या कि मात्रात्मक वृद्धि होना। मनुष्य के अंदर गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों प्रकार के जो परिवर्तनों की श्रृंखला है उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? विकास कहते हैं। विकास एक बहुत बड़ा टॉपिक है और विकास तो मनोविज्ञान का एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके आधार पर हम हर बच्चे की पहचान कर सकते हैं। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, इन सब का स्तर इसी वर्ड में समाहित है बच्चों। तो विकास का मतलब क्या है? विकास का अर्थ है बच्चे में होने वाला मात्रात्मक व गुणात्मक परिवर्तन। अब इसी के साथ एक वर्ड और जुड़ा हुआ होता है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक विकास होता है जबकि विकास जो है वो गुणात्मक होता है। ये मांसपेशियों में विकास होता है जबकि ये शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार के परिवर्तनों को इंगित करता है। हमारे समाज में एक बच्चे के साथ जो भी सामाजिक परिवर्तन होते हैं, संवेगात्मक परिवर्तन होता है, मानसिक विकास होता है, बच्चे का शारीरिक विकास होता है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है बच्चों? वो सब विकास के अंदर ही समाहित होता है। तो आपने देखा होगा कई बच्चों में सामाजिक विकास का डेवलपमेंट देरी से होता है, कई बच्चों का शारीरिक विकास में देरी से होता है, कई बच्चे जल्दी से लंबे हो जाते हैं, कुछ बच्चे देरी से लंबे होते हैं, कुछ बच्चे नाटे रह जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत लंबे हो जाते हैं। तो कई बार ये विकास के लक्षण भी विकलांगता की पहचान करवा सकते हैं। तो विकास के लक्षण अगर देरी से आ रहे हैं बच्चों तो उससे भी हम CWSN छात्रों की क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं। तो बौद्धिक क्रियाकलाप का जो निम्न स्तर है उसके अंदर का सबसे पहला आता है अवधान और ध्यान, दूसरा आता है चिड़चिड़ापन और तीसरा आता है विकास के लक्षण देरी से आना, चौथा है बच्चों अति उत्तेजित व्यवहार। आपने देखा होगा अगर क्लास में कई बच्चे होते हैं बड़े गुस्से वाले होते हैं,
कई बच्चे बड़े डरपोक होते हैं, कईयों में हकलाहट होती है, तो ये सब चीजें भी हमें बताती है कि उस बच्चे का बौद्धिक स्तर क्या है, वो किस स्तर का सोच पा रहा है। बच्चे में आप एक क्लास में रहते हैं तो क्लास में प्रतिभाशाली होते हैं कि जैसे ही आपने क्वेश्चन दिया वो फटाफट उसका आंसर दे देता है। कई बच्चे देना चाहते हैं लेकिन उनमें आत्मविश्वास नहीं होता, और कई बच्चे समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन क्या पूछा है और आंसर क्या देना है, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं होता। तो उन बच्चों के बारे में हम कह सकते हैं कि वो बच्चे किसमें आ रहे हैं, CWSN छात्रों के अंतर्गत आ रहे हैं। अब उनके बीच में समस्याएं क्या है वो सब हम अलग तरीके से देखेंगे, लेकिन हम इस बौद्धिक क्रियाकलाप के आधार पर, जैसे ध्यान नहीं देना, जड़ बुद्धि व मंद बुद्धि होना, चिड़चिड़ापन बच्चे में होना, अति उत्तेजित व्यवहार करना, विकास के लक्षण देरी से आना, ये सब CWSN पहचान के क्या है, तरीके हैं। अब आप देखो दृष्टि, दूसरा जो इसका कारण है कि पहचान कैसे कर सकते हैं, तो आप देखिए दृष्टि बाधित, दूसरा क्या है इसका, दृष्टि बाधित। अब दृष्टि बाधित CWSN जो बच्चे हैं उनकी दृष्टि बाधित समस्याएं क्या होती है वो देखो। अब आपको कैसा पता चले कि एक बच्चा CWSN में दृष्टि बाधित है, आप देखते हो कई बच्चे ढंग से लिख नहीं पा रहे हैं, तो आप समझ जाओगे कि इसके दृष्टिबाधित समस्या। आंखों पर सूजन आना, आंख पर क्या आना बच्चों, क्या आ जाना, आंख पर अगर सूजन आई हुई है तो भी हम समझ सकते हैं कि क्या है, दृष्टिबाधित समस्या है। आंख को बार बार मसलना, आंख का छोटा या बहुत बड़ा होना, आंख का छोटा या बहुत क्या होना, बड़ा होना, ये सब क्या है, दृष्टि बाधित हमें समस्याओं को देखने को। आंख में दर्द होना, कई बार सिर में दर्द होना, ठीक है, आंख में बार बार खुजली करना, इन सब के आधार पर हम देख सकते हैं क्या कि बच्चा क्या नहीं कर पा रहा, उसके सामने कौन सी समस्या है, शाम पट पर लिखा ढंग से नहीं पढ़ पा रहा। तो इन सब चीजों से हम देख सकते हैं कि बच्चे में दृष्टि बाधित क्या है बच्चों, समस्या है। आप देखो CWSN बच्चों की पहचान कैसे करेंगे, हम बच्चा ढंग से लिख नहीं पा रहा तो हम समझ जाएंगे कि ये CWSN के अंतर्गत है। आपने देखा होगा कई बच्चे शाम पट पर लिखा हुआ नहीं ढंग से देख पा रहे हैं, क्यों नहीं देख पा रहे, तो हो सकता है कि उनके दृष्टिबाधित समस्या हो। दृष्टिबाधित कैसी होती है मैंने आपको बताए थे, उसके तीन प्रकार बताए थे, पूर्ण अंधापन, आंशिक अंधापन और सीमित अंधापन बताया था, ठीक है। उसके बाद आता है आंख पर अगर बच्चे की सूजन है तो उसके दृष्टिबाधित समस्या हो सकती है, वो CWSN छात्रों के अंतर्गत आ सकता है। इसके बाद आता है आंख को बार बार मसलना, अगर बच्चा आंख को बार बार मसल रहा है तो भी दृष्टिबाधित समस्या हो सकती है। आंख का छोटा या बहुत बड़ा होना, आंख कई बच्चों की बहुत छोटी होती है और कई बच्चों की आंखें बहुत बड़ी होती है, तो उनमें भी दृष्टिबाधित समस्या हो सकती है। कई बार बच्चे के आंख में दर्द होता है, वे बार बार शिकायत करता है कि मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, तो उसके भी दृष्टि बाधित समस्या हो सकती है। फिर है आपका सिर में दर्द होना, कई बार आंखों का इफेक्ट हमारे सिर में होता है, आंखों की जो नसें हैं उनका कनेक्शन हमारे सिर में होता है, तो सिर में अगर बच्चे के दर्द हो रहा है तो हमें समझना चाहिए कि बच्चे में दृष्टि बाधित दोष आ सकता है। आप देख रहते होंगे कई बार बच्चे आंखों में बार बार खुजली करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि बच्चे में दृष्टिबाधित क्या हो सकती है, समस्या हो सकती है। तो आपने दो स्तर पढ़े CWSN बच्चों की पहचान हेतु,
एक तो बौद्धिक क्रियाकलाप और बौद्धिक क्रियाकलापों का निम्न स्तर, और दूसरा पढ़ा दृष्टिबाधित। दृष्टिबाधित में पढ़ा कि ये चीजें अगर बच्चे में है तो उसमें दृष्टिबाधित समस्या हो सकती है, वो CWSN छात्रों के अंतर्गत आ सकता है। अब आती है मंद, क्या मंद, आप अंधे, मंद अंधता, मंद मंद क्या हो, अध्यता से ग्रसित। ये वाला जो टॉपिक है हम कल पढ़ेंगे, कौन सा मंद अध्यता से ग्रसित बालक की पहचान करके हम कैसे देखेंगे कि हम CWSN छात्रों की पहचान कर सकते हैं, ये टॉपिक अपन पढ़ेंगे। इसी के साथ बच्चों ध्यान रखना, एक आपको मैं पढ़ाऊंगी सर्व शिक्षा अभियान, ये वाला टॉपिक पढ़ाने के बाद एक तो सर्व शिक्षा अभियान जो कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और बार बार में आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर्व शिक्षा अभियान के बारे में क्या क्या चीजें। एक आप ध्यान रखना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट के मैंने 3 या 4 टॉपिक आपको क्लियर करवा दिए हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ और परिभाषा, व्यक्तिगत भिन्नता का क्षेत्र, व्यक्तिगत भिन्नता की श्रेणियां, व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा जो भी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और समकालीन कार्यक्रम विकलांगों के लिए चलाए गए उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने विकलांगता क्या होती है, विकलांगता के प्रकार कौन से हैं, विकलांगता के कारण क्या है, और विकलांगता के पहचान के तरीके कौन कौन से हैं, तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं कल जो पढ़ाने वाली हूँ एक में आपको सर्व शिक्षा अधिकार अभियान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये दो टॉपिक्स मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। तो आप अगर चाहते हैं कि आप मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियो बनाती रहूं, तो जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ होता है आप इसको साथ के साथ में कॉपी में लिखते जाए, क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। और आप कमेंट बॉक्स में लिखे कि क्या क्या हम और आगे कर सकते हैं। विकलांगता का जो स्तर है 50% से बच्चे आज भी स्कूल स्तर से बाहर है, तो क्या क्या सुझाव आप दे सकते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखे, अपनी कॉपी में लिखे, आप व्हाट्सएप के थ्रू हमें मैसेज करिए कि अपन क्या क्या इस क्षेत्र में कर सकते हैं, क्या क्या उपाय इसके बारे में हो सकते हैं। आप एक शिक्षाविद है और शिक्षाविद होने के नाते आपको आप इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से आपको वीडियो बनाती रहूं, तो आप नव भारती चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। तो कल अपना टॉपिक क्या होगा, मन अध्यता से ग्रसित, जो भी पहचान के जितने भी तरीके हैं उन सबको मैं यहाँ पढ़ाऊंगी। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो चलेगा सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, क्योंकि ये दो टॉपिक बार बार में आ रहे हैं कि ये है क्या, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। और विकलांगता के अगर जैसे मैंने अरुणिमा सिन्हा का उदाहरण दिया, इसी तरीके के अगर आप और बहुत कुछ उदाहरण दे सकते हैं तो आप इसमें दे। तो आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाती रहूं, तो आप नव भारती चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।